हाय फ्रेंड्स, स्क्रीन पे आपको एक 2D ड्राइंग दिख रही है जो कि आपको लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं ये पोलर पैटर्न से बना हुआ है एरे करके। इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट वीडियोस ऑलरेडी बना रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इस रिबन एरिया के अंदर जितने भी टूल बार्स हैं, ड्रॉ, मोडिफाई, एनोटेशंस और ये सारे लेयर वगैरह, प्रॉपर्टीज़, इन सारे टूल बार्स के बारे में मैंने वीडियो बना रखा है। सारे बेसिक कमांड्स उसके वहाँ आपको क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप डायरेक्टली प्रैक्टिस सेट ही सीख रहे हैं तो भी बढ़िया है, आपको धीरे धीरे सारे कमांड्स कवर हो जाएंगे। तो आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं इसको साइड में मूव कर देता हूँ। टेलीग्राम चैनल पे मैं सारे जो ये वीडियोज़ बना रहा हूँ प्रैक्टिस सेट के, इनकी ड्राइंग्स के PDF आपको मिल जाएंगे। वहाँ से जाके आप डाउनलोड करके खुद प्रैक्टिस करते रहिए। वीडियो देखने के बाद बार बार आपको वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, आप उस ड्राइंग को ही डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ऐसे केसेस में आपको सबसे पहले सर्कल बनाना है, तो आपको आउटर सर्कल देखना है कितने का है, वो है 120 mm डायमीटर का। तो आपको सर्कल लेना है, कितना है डायमीटर, 120 mm। ओके, एंटर कर दिया। अब सबसे छोटा सर्कल देखना है कौन सा है, सेंटर पे 7.5 mm रेडियस का है, तो सी एंटर, सेंटर 7.5 का रेडियस। ओके, अब मैं एक वर्टिकल लाइन ले लेता हूँ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूँ। अब सबसे पहले आपको देखना है कि एक रेफरेंस दिया हुआ है यहाँ पे, 25 mm का डायमीटर है एक यहाँ पे, तो उसको बना लेते हैं। यहाँ से सेंटर से हम एक डायमीटर 25 mm का सर्कल बना लेंगे, ये रेफरेंस सर्कल है, तो इसको हम डॉटेड कर देते हैं। ऑल राइट, ऐसे ही आउटर वाला जो सर्कल है, ये वाला, ये भी रेफरेंस का है, कितने का है, 110 का है। तो एक सर्कल हम बना लेंगे 110 mm का, ये है डायमीटर 110 mm। ओके, मैच प्रॉपर्टी कर देते हैं इस रेफरेंस सर्कल का, ये लाइनें भी हमारे लिए रेफरेंस है तो इनको रेफरेंस कर लेते हैं। थोड़ा सा और मैं क्लोज कर देता हूँ। ओके, अब आपको देखना है, दो ही चीज़ है इसमें इम्पॉर्टेंट, एक तो सर्कल का रेफरेंस कहाँ से लेना है, दूसरा एरे कैसे करना चाहिए। नीचे वाला जो ये सर्कल है, ये वाला और ऊपर वाला सर्कल, दोनों को हमें बनाना है, दोनों का डायमेंशन हमें पता होना चाहिए। छोटे वाला रेडियस है 2.5 का, बड़े वाला रेडियस है 10 का, ठीक है। तो एक आप रेडियस बना लो 10 का और इसको हम मूव कर देते हैं जो हमारा रेफरेंस लाइन है यहाँ पे। सिमिलरली हम छोटे वाला सर्कल बनाते हैं 2.5 mm का और इसको मूव कर देते हैं। ओके, फिर आपको टेंजेंट लाइनें देनी है, मैंने कई वीडियोस में बताया है, L एंटर, नियरेस्ट पॉइंट पे जाके राइट क्लिक करना है, शिफ्ट के साथ टेंजेंट ले लेना है, अगेन इसके नियरेस्ट पॉइंट पे जाके राइट क्लिक करना है, टेंजेंट एंड यहाँ क्लिक कर देना है, ठीक है। इसी को आप मिरर कर सकते हो या एक दूसरी लाइन टेंजेंट बना सकते हो। ये बन गया, अंदर की ये जो लाइन्स हैं आर्क, इनको मैं डिलीट कर देता हूँ, ट्रिम कर देता हूँ। जैसे ही बन गया आप कंट्रोल से सेलेक्ट करके ज्वाइन कर लो, एक ये ऑब्जेक्ट बन गया। क्या कर सकते हो आप, इसको तुरंत एरे कर सकते हो, बट वेट, एक चीज़ और एरे हो रही है, वो है ये सर्कल 24 mm के सेंटर पे, इसी को आप ऑफसेट कर लो 12 mm पे इधर। सर्कल कितने का है, 5 mm का डायमीटर है, इसके सेंटर पे आप डायमीटर 5 mm का एक सर्कल बना लो और इसको मिरर कर लो इस साइड, ये बन गए। इसी को आपको मिरर कर लेना है या फिर एरे कर लो, इनको सेलेक्ट करके आप एरे कर सकते हो। इनको मैं एरे कर लेता हूँ, पोलर एरे। पोलर एरे में आपको सेंटर सेलेक्ट कर लेना है, ये नंबर ऑफ क्वांटिटी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस एरिया में, यहाँ आपको दिया रहता है, इसमें मैं यहाँ पे क्वांटिटी 4 कर दूँगा, ये मैंने क्वांटिटी 4 कर दी और यहाँ से मैंने क्लोज एरे कर दिया। अब इस पर आप क्लिक करोगे तो एरे इसका पूरा कंबाइन रहेगा, ज्वाइन रहेगा,
मैं इसको एक्स एंटर करता हूँ और ऑब्जेक्ट पे सेलेक्ट कर देता हूँ। अब ये टूट गया पूरा अलग अलग। मैं एक ही ऑब्जेक्ट को इसको एक्सप्लोड कर लेता हूँ, इसको एक्सप्लोड कर लेता हूँ। रीज़न अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब मुझे ये वाला पॉइंट बनाना है, मैं क्या करूँगा, यहाँ से अगर आप देखेंगे इस लाइन से 5 mm का ऑफसेट है, तो मुझे इस लाइन को ऑफसेट करना है। ओ एंटर 5 mm यहाँ, और इसी को 5 mm मैंने यहाँ कर लिया। अब क्या करना है, ये जो अंदर वाला रेडियस है यहाँ पे दिखा रहा होगा 17.5 का है, एक रेडियस बना लेते हैं सेंटर से 17.5 पर, ये बन गया। इसके अंदर जो एरिया है इसको ट्रिम कर लेते हैं ऐसे, और ये डिलीट कर देते हैं। बन गया आपका वैसे ही, उस पर रेडियस लगा हुआ है, रेडियस लगा देते हैं। कितने का है रेडियस, कितने का है, 5 mm का रेडियस दिया हुआ है हर तरफ। अभी लगाते हैं रेडियस, वेट करो। इस पॉइंट तक हमें एक्सटेंड करना है अपनी लाइन को, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया ई एक्स एंटर, और इस लाइन को एक्सटेंड, इस लाइन को एक्सटेंड, ट्रिम कर लेते हैं इस एरिया को, और अभी के लिए मैं इसको मैच कर देता हूँ प्रॉपर्टीज़ की इसके साथ। अब मैं 5 mm का रेडियस लगा सकता हूँ, एफ एंटर, आर एंटर, 5 mm एंटर, चारों कॉर्नर्स पे मैं रेडियस लगा देता हूँ। ओके, अब मैं इसको सेलेक्ट करके जे एंटर ज्वाइन कर लेता हूँ। ऑब्जेक्ट पे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से सॉरी पोलर एरे लेंगे, सेंटर सेलेक्ट करेंगे, अगेन यहाँ से ऑब्जेक्ट की क्वांटिटी 4 कर देंगे और एंटर, और यहाँ से क्लोज। आप एक्सप्लोड करना चाहो एक्सप्लोड कर दो। ये ड्राइंग आपकी रेडी हो गई है। कितना सिंपल था, अगर आप स्टेप बाई स्टेप बनाएंगे ना तो सारी ड्राइंगें आपको बहुत इजी लगेंगी, कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसकी डायमेंशनिंग की हुई है, आप जाके मेरे प्लेलिस्ट से डायमेंशन स्टाइल मैनेजर का वीडियो देख सकते हैं, सारी फॉर्मेटिंग डायमेंशनिंग कैसे करते हैं, कैसे चेंज करना होता है, कैसे मॉडिफाई करना है, सारी चीज़ें उसमें दी हुई हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपने इन्जॉय किया होगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं किसी और प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।